हेलो दोस्तों, आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी। वीडियो को पूरा देखिएगा, रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बनाते हैं। अभी मैंने 8 आलू बॉयल करके ले लिए हैं, छोटे साइज के। ये थोड़े से ठंडे हो गए हैं, अब इनको मैश कर लेते हैं। आप चाहें तो इनको हाथ से भी मैश कर लीजिए या फिर ग्रेट कर लीजिए। आलू मैश हो गया है, अब इसको हटा लेते हैं। अब इसमें व्रत की कुछ सामग्री डाल लेते हैं। पीछे शादी हो रही है, डीजे की आवाज आ रही है। आधा चम्मच डालेंगे भुना जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, व्रत वाला नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, 2 बारीक कटी हरी मिर्च डाल लेते हैं, थोड़े से डालेंगे धनिया के पत्ते। आप इसमें जो चीज़ें व्रत में ना खाते हों उनको हटा सकते हैं, और जो खाते हों वही डालिए। अब इसको साइड कर देते हैं। अब आधा कप साबूदाना ले लेंगे, ये नॉर्मल साबूदाना है, इसको मैंने अच्छे से साफ करके ले लिया है। ये बिल्कुल से सूखा हुआ साबूदाना है, इसको मैंने धूप में सुखा दिया था आधे घंटे के लिए। अगर धूप ना हो तो आप तवे में या फ्राई पैन में डाल करके 5 मिनट भून लीजिए, तो अंदर तक सूख जाता है, जिससे जब पाउडर बनाएं तो आसानी से बन जाए। इसको डालेंगे एक मिक्सर जार में। पीस लेते हैं। अब ये देखिए साबूदाना पीस गया है, हल्का दरदरा रह जाता है। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप मूंगफली के दाने। ये भुने मूंगफली के दाने हैं, इनका मैंने छिलका नहीं हटाया है, आप चाहे तो छिलका हटा लीजिए। इसको भी थोड़ा सा पीस लेंगे। अब ये देखिए मूंगफली भी पीस गई है। अब सारे पाउडर को डाल लेंगे इसी आलू में। अब हाथ साफ करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, पानी नहीं डालेंगे, आलू में जो पानी है उसी से हो जाएगा। अभी अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट के लिए, जिससे साबूदाने का पाउडर अच्छे से फूल जाए। ढक देते हैं। अब 10 मिनट हो गए हैं, इसको देख लेते हैं। अब हाथ में घी लगा के इसको दोबारा से गूंथ लेंगे। ये देखिए साबूदाना अच्छे से फूल गया है, अभी दोबारा से अच्छे से गूंथ गया है आटे की तरीके। ये देखिए एकदम डो की फॉर्म में आ गया है। अब इसके 2 पार्ट कर लेते हैं, 2 पार्ट करके गोल कर लेते हैं। अब एक चॉपिंग बोर्ड रख लेते हैं। अब एक पार्ट को रखेंगे इस तरह से, इसको इस तरह दबा करके पतला कर लेते हैं। अब बेलन में घी लगा के थोड़ा सा बेल लेंगे मोटा सा। अब ये देखिए इस तरह से मैंने बेल लिया है, इतना मोटा, बहुत पतला भी नहीं करना, बहुत मोटा भी नहीं रखना है। अब एक चाकू से इनको काट लेंगे, पहले साइड का हटा देते हैं। 4 कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा है उनको हटा लेते हैं। अब इसको एक बार बीच से काट लेते हैं इस तरह से। अब इनको पतले पतले काट लेंगे, एक साइज के काटेंगे। अब ये सारे कट के तैयार हो गए हैं, अब इनको उठा लेते हैं, एक प्लेट में रख लेंगे इस तरह से। बहुत अच्छे से बन जाते हैं, बिल्कुल आराम से। आप इनको व्रत में या फिर बिना व्रत के बनाइए, सभी को बहुत पसंद आएंगे। अब इसी तरह सारे बना के तैयार कर लेंगे, बनाते जाएंगे और सेकते भी जाएंगे। चलते हैं गैस की तरफ। अब इधर पैन में मैंने घी रख दिया है गर्म होने को, गैस को ऑन करके मीडियम फ्लेम में कर लिया है। घी को गर्म होने देंगे। अब घी गर्म हो गया है, अब इसमें साबूदाना के फ्रेंच फ्राइज को डालते हैं। इनको
थोड़ा अलग अलग ही रखेंगे, नहीं तो एक दूसरे पर चिपक जाएंगे। थोड़ी देर अलग रखना है, जब थोड़े से पक जाएंगे तब नहीं चिपकेंगे, थोड़ा सा पकने देंगे उसके बाद पलटेंगे। अभी थोड़े से पक गए हैं, अब इनको पलट देते हैं। इस समय गैस को मीडियम हाई फ्लेम में कर लेंगे। अब ये देखिए थोड़े से पक गए हैं तो नहीं चिपक रहे हैं, जब शुरू में डालिए तभी चिपकते हैं। इनको बढ़िया गोल्डन कलर होने तक सेक लेना है। ये बिल्कुल आलू के फ्रेंच फ्राइज जैसे लगते हैं, अंदर से सॉफ्ट रहेंगे, बाहर से एकदम क्रिस्पी। अभी अच्छे से सेक गए हैं, बढ़िया कलर आ गया है, अब इनको बाहर कर लेंगे। इनको एक छन्नी में निकालेंगे जिससे एक्स्ट्रा घी निकल जाए। इनको सेकने में ज़्यादा घी नहीं लगता है, अंदर सोखता नहीं है और बहुत अच्छे से पक भी जाते हैं। अब इनको थोड़ा सा और हिला देते हैं जिसे पूरा घी निकल जाए। देखिए कितने सुंदर फ्रेंच फ्राइज बने हैं। इनको आप व्रत में बनाइए या फिर बिना व्रत के बनाइए, कभी भी बनाइए, बहुत टेस्टी लगते हैं। बिना व्रत के बनाइए तो टोमेटो सॉस से खाइए, व्रत में बनाइए तो चाय के साथ लीजिए या फिर व्रत वाली कोई चटनी हो उसके साथ लीजिए, मज़ा आ जाएगा। इसी तरह सारे सेक के तैयार कर लेंगे। चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।